Welcome to the math class students. Today we will discuss about the differentiability. हमने continuity पढ़ लिया, अब differentiability पढ़ेंगे, मतलब differentiation पढ़ेंगे complete. अब 5.8 exercise तक differentiation नहीं पढ़ना है. मतलब class 11th में जो हमने differentiation पढ़ा था वो just a trailer था. This is whole complete film, the derivative in class 12th. तो 12th में हम कैसे भी function आए वो सब पढ़ेंगे. differentiation बहुत deeply, बहुत बेसिक से उठा कर पढ़ेंगे. क्लियर? नाउ सी, सबसे पहले कंसेप्ट एंड थ्योरी देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट. तो लेट्स सी, वेट अ मिनट. कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन होता क्या है. तो देखो, सपोज दिस इज अ ग्राफ, ये आपका कोई ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये हमारा वाई इज इक्वल टू कोई एफ एक्स फंक्शन है उसका ग्राफ, ये कोई भी ग्राफ है. क्लियर? तो मैंने एक पॉइंट तो यहाँ पर लिया ए पॉइंट, और ये यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये होगी x वैल्यू. और एक मैंने b पॉइंट लिया, मतलब x से ज्यादा ही होगा. दिस इज ओरिजिन, ये यहां पर x है तो x से ज्यादा ही होगा इधर साइड, तो x प्लस एच. प्लस में h क्या है, मतलब h जोड़ा है इसमें, कुछ क्वांटिटी जोड़ी, h जोड़ दी. तो यहां पर इसके a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, यहां पर हो जाएंगे x, और x पे रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा. क्लियर? एफ एक्स वाई है भाई आपका, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई तो होते हैं कोऑर्डिनेट. क्लियर? तो x रखा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a के, x कोमा एफ एक्स. एंड जब हमने x की वैल्यू x प्लस एच रखा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर फंक्शन आपका चल रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स चल रहा है, सपोज यहाँ के कोऑर्डिनेट आपके पास 2, 4 हैं, और यहाँ के कोऑर्डिनेट जब आपने x में कुछ बढ़ा दिया, मतलब पहले 2 लिया था x, अब 3 ले रहे हो, तो वैल्यू हमने मान ली सपोज बढ़कर मिलेगी, 8 मिल गई. तो एक्स वाई तो हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं. तो जब हमने एक्स प्लस एच लिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच. तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कितना है, एक्स प्लस एच. एंड वाई कितना होगा, वाई यही तो है भाई, यहाँ देख सकते हो आप. क्लियर? दिस इज एफ एक्स, मतलब वाई, वाई वन मान लो. क्लियर? और जब हमने ये वैल्यू रखी, मतलब यहाँ पर बी पर मिला, बी पर हमें क्या रिजल्ट मिला, बी पर हमें ये मिल गया, ये मान लो आप वाई टू. और वाई टू कितना मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स क्या रखा है हमने, एक्स प्लस एच रखा है ना. क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो एक्स वाई, एक्स वाई. ओके, अब देखो स्लोप क्या निकलेगा, जब हमने इन दोनों लाइनों को मिलाया, ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बनाई, ये लाइन बनी. क्लियर? ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाया तो ये लाइन बनी. तो जब भी लाइन बनती है, दो पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है, तो उसका स्लोप क्या होता है. तो देखो, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए पॉइंट को एंड, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा एफ एक्स, एंड बी पॉइंट, बी पॉइंट हो गया एक्स प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच. तो स्लोप क्या होता है, दो पॉइंट से जॉइन करने वाली लाइन का, सपोज ये लाइन है आपकी ए बी, ए बी, तो स्लोप क्या होता है, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है एंड इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू है, तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन में हमने कंप्लीट पढ़ा था. स्लोप मतलब झुकाव, इस लाइन का झुकाव कैसे, पॉजिटिव x एक्सिस अगर ये है तो पॉजिटिव x एक्सिस है, कितना झुकाव है इसका, क्लियरली कितना झुकाव इसका आ रहा है इस लाइन का, कितना ये लाइन कितनी झुकी हुई है पॉजिटिव x एक्सिस पर, तो वही होता है y2 माइनस y1. और इसको हम स्लोप को और कैसे निकालते हैं, स्लोप को m से लिखते हैं, ये होता है टेन थीटा. अगर ये थीटा बना रही है ये लाइन इस एक्स एक्सिस से, क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप निकाल लेते हैं, या फिर अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है तो भी स्लोप निकाल लेते हैं. क्लियर? तो स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. क्लियर? स्लोप क्यों पढ़ रहे हैं हम, स्लोप बताएंगे, स्लोप पढ़ क्यों रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए स्लोप पढ़ना जरूरी है, बिकॉज डिफरेंशिएशन ही एक स्लोप है, डिफरेंशिएशन ही स्लोप बताता है. ओके, तो यहां से देखा हमने m, स्लोप कितना आएगा y2 माइनस y1, y2 कितना है भाई यहाँ पर आपका एफ एक्स एच, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस का y1 कितना है एफ एक्स, एफ एक्स अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है, ये x1 हो गया एंड दिस इज x2, तो x2 माइनस x1 कितना हो गया x प्लस एच, मतलब कि ये रहा ए बी, ये हो जाएंगे x1 y1 x2 y2. क्लियर? तो x2 हो जाएगा x प्लस एच माइनस का x, तो x2 माइनस x1 हो गया x प्लस एच माइनस का h. तो x से x से ये कैंसिल आउट, तो क्या स्लोप क्या आया, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में h. अब ध्यान से देखो, जो ये कंडीशन बताने जा रहे हैं, दिस इज द, अब आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है कि डिफरेंशिएशन बना कैसे. देखो, व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, मतलब
अभी तो हमने x में h जोड़ा है, मतलब x में कितना जोड़ दिया, इतना पार्ट और जोड़ दिया, ये हिस्सा जोड़ दिया और हम यहाँ पर आ गए। क्लियर? अब हम क्या बोल रहे हैं, when h tending to zero, मतलब h को हमें बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कम बढ़ाना है, मतलब h tending to zero मतलब 0.001 बढ़ाएं, अगर हम h की वैल्यू क्या लें, हम लगभग जीरो के बराबर लें, मतलब x में जो हम जोड़ रहे हैं वो क्या जोड़ रहे हैं, लगभग 0.001 जोड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहो, when h tending to zero, wait a minute, So, देखो यहाँ पर इस ग्राफ से बताएंगे, यहाँ पर x था, x में हम क्या जोड़ रहे हैं, h जोड़ रहे हैं, और h क्या करें, हमने कंडीशन क्या लगाई, h टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत ही स्मॉल। तो जैसे ही यहाँ पर ये पॉइंट था भाई x पर, तो हम h को इतना स्मॉल, x में क्या जोड़ रहे हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, देखो ना h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो x में क्या जोड़ा, x प्लस h, देखो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जोड़ा हुआ था, यहाँ पर तो दिखा रहे थे दिखाने के लिए, x में इतनी चीज़ जोड़ी तो x प्लस h आया। क्लियर? देखो x में क्या जोड़ा, ये सारा इतना बड़ा पोर्शन जोड़ा, जब जाके x प्लस h आया, मतलब h तो यहाँ पर तो हमने बड़ा दिखाया है। अब हमने क्या कंडीशन लगाई, बहन h टेंडिंग टू जीरो मतलब h जो है वो लगभग जीरो के बराबर है। तो जैसे ही हम x में जोड़ेंगे h को, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे थोड़ा सा ही, तो ये वाला पॉइंट अब क्या हो गया, x प्लस h हो गया, और यहाँ पर x था, तो हमने x में क्या जोड़ा, h जोड़ा, और h कैसा जोड़ा, h टेंडिंग टू जीरो, h बहुत ही स्मॉल है वो जोड़ा, तो हम थोड़ा सा ही आ गए। तो जो पॉइंट आ जाएगा वो बिल्कुल कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। देखो x प्लस h पर क्या था, b पॉइंट था, तो जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा b, और हमको ऐसा लगेगा कि b पॉइंट कहाँ पर आ गया, अब ab देखो ऐसे हो गए, देखो ध्यान से, ab यहीं पर है और b पॉइंट भी यहीं पर है। क्लियर? तो इनसे जो लाइन जॉइनिंग होगी, ध्यान से देखते रहो, इनसे जो लाइन जॉइनिंग होगी वो हमें कैसे दिखेगी, कि वो हमें ऐसे दिखेगी कि वो ए पॉइंट पर ही क्या है, एक टेंजेंट है, जो लाइन बनी है, ये लाइन बनी है, ये लाइन, यही कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, यही समझ लो। जो ये लाइन बनी है ए बी, यहाँ पर तो ए बी लाइन तो सफा दिख रही थी, ए बी ये लाइन बनी है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एच को बहुत स्मॉल जोड़ा, तो स्मॉल जोड़ने के बाद हमने जब जोड़ने के बाद बी पॉइंट रखा, तो बी यहाँ पर आया, ए यहाँ पर है, मतलब ए और बी, अब बी बिल्कुल पास आ गया, मतलब देखो हमने क्या लिखा, व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो देन बी टेंडिंग टू ए, तो बी यहाँ पर था पहले, चलते 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 किसके पास आ गया, बिल्कुल ए के पास आ गया। अब जब बिल्कुल ए के पास आ गया, तो हमें क्या दिखा, तो ये जो लाइन बनी है ए बी की, ये हमें ऐसे दिख रही है कि इस कर्व पर, देखो ये कर्व है, ये कर्व ऐसे था, ये जो लाइन दिखेगी ऐसे तो आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी, तो ये लाइन ऐसे आ रही है बिल्कुल, तो हमें लगेगा जो लाइन बनी है ए बी वो क्या है, ए पॉइंट पर टेंजेंट है, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है वही दिखी हमें। क्लियर? ये कंसेप्ट था डिफरेंशिएशन का, अब और बताएंगे। तो ये बात समझ आई, जब हम बी को बिल्कुल ए पर ले आए, और ए पर कैसे आई, जब एच टेंडिंग टू जीरो देन बी टेंडिंग टू ए, बी पहले यहाँ था, बी को इधर ही ले आए खिसका के, तो बी बी ए के पास आ गया, तो लाइन बनी ए और बी की, लाइन ऐसे बनेगी, अब ए और बी को ज्वाइन करेंगे, तो हमको क्या लगा कि जो इसको ज्वाइन कर दिया ए और बी को, तो हमें ऐसा लगा कि जो ये ए बी लाइन बनी है, ऐसे ए बी लाइन बनी है, ये क्या दिख रही है हमें, कि इस कर्व पर ए पॉइंट पर जो टेंजेंट खिंच रहा है, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट खिंच रहा है, वही लाइन हमें दिख रही है। क्लियर? देखो यहाँ पर तो क्या था, ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन को अगर हम आगे और बढ़ाते हैं, तो सपोज हमारी ऐसे जा रही है ए बी लाइन, और ए बी लाइन स्लोप क्या है ए बी लाइन का, अगर पॉइंट दे रहे तो पॉइंट उसे निकाल लेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और अगर ये लाइन एंगल बना रही है थीटा किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये रहा ना टेन थीटा, टेन तो ये स्लोप भी तो होता है टेन थीटा, तो ये हो गया। क्लियर? अभी तो ये लाइन ऐसे आ रही थी, अब हमने देखा जब बी को इसी के पास ले आए, मतलब एच बहुत स्मॉल जोड़ा, तो बी इसी के पास आ जाएगा, एच बहुत स्मॉल जोड़ा इसमें एक्स में, तो बी बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, और बी यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें क्या दिखेगा, जब हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, ए और बी, तो ए बी लाइन जब ड्रॉ होने के बाद कैसी दिखेगी हमें, कि जो ये कर्व है, यहाँ देखो ये ऐसे बना रहा हूँ मैं इस कर्व को, यहाँ पर ए है, यहाँ पर अगेन क्या है बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, तो जो ए बी लाइन बनी है, ध्यान से देखते रहो, तो जो ए बी लाइन बनी है ये हमें क्या दिखेगी, ए पॉइंट पर ही लाइन बना दो ऐसे, ए बी लाइन हमें ऐसे दिखी, ठीक है, ए बी लाइन को जोड़ दो, ए बी लाइन हमें ऐसे दिखी,
तो और हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि ए पॉइंट पर ही जो इस कर्व पर टेंजेंट आ रहा है, इस कर्व पर, क्लियर, ये कर्व हो गया, इस कर्व पर जो टेंजेंट आ रहा है वही दिखा हमें, क्लियर। तो यही डिफरेंशिएशन होता है, अभी मैथमेटिकली इसको समझाएंगे। क्या ये तो समझ आया ना कि भाई जो ए बी लाइन है वो हमें क्या दिख रही है, अब ए पॉइंट है जो उस पर किसी कर्व पे, जो ए पॉइंट है उस पर टेंजेंट जो खिंचा वही ए बी लाइन दिख रही है हमें, क्लियर। यहां से तो हमें ऐसा दिखा, ओके। अब ध्यान से देखो, अब हमने एच टेंडिंग टू क्या करा, जीरो, मतलब पहले तो स्लोप आया था एम इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब हमने क्या करा, एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट हमने क्या लगाई, एच टेंडिंग टू जीरो, एच को बिल्कुल जीरो के बराबर टेंडिंग किया, मतलब एच को कितना बढ़ाया, एच की वैल्यू क्या, 0.00 प्लस, तो लिमिट क्या लगाई हमने, एच टेंडिंग टू जीरो। तो यही स्लोप ले लो एम में, तो ध्यान से देखो एम में स्लोप में लिमिट क्या लगाई हमने, देखो स्लोप किसका फंक्शन है, स्लोप में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और एच हमने क्या लिया है अब बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी बिल्कुल। तो यहां से देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो किस पर, स्लोप पर, ये स्लोप ही तो एम इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, और एच कितना है, एच हमने बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो लिया है, तो लिमिट लगाई है एच पर, तो इसलिए लगा रहे हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एम, और एम ही क्या है हमारा, टेन थीटा, तो टेन थीटा भी लिख सकते हो आप, क्लियर। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एम की वैल्यू कितनी है भाई, एम की वैल्यू यहाँ से देखो, एम की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो यहाँ रख दो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। यही चीज, ये पूरी कंडीशन आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो पढ़ा है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाय dx। dy का मतलब होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस, तो स्लोप भी तो यही होता है, स्लोप तो यही तो है ना स्लोप, ये देखो y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y एक्सिस, x2 माइनस x1 चेंज इन x एक्सिस, y2 माइनस y1 चेंज इन y एक्सिस, एंड x2 माइनस x1 चेंज इन x एक्सिस। कब, जब h को हम बहुत स्मॉल बढ़ाएं, तब, जब h को हम बहुत स्मॉल बढ़ाएं, इस वाले कंडीशन में जब हमने h को बहुत स्मॉल बनाया, तब y2 माइनस y1, ये रहा ना लिमिट क्या लगाई हमने, h को बहुत h टेंडिंग टू जीरो रखा, तब ये y2 लिखा हुआ है आपका पूरा, ये y1 लिखा हुआ है आपका पूरा, और x2 माइनस x1 करके तो h आ गया था, और ये x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, क्लियर। इसी पूरे को बोलते हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्डर। जितने भी आपके फॉर्मूले डराइव हुए हैं कि साइन x का भाई डिफरेंशिएशन cos x होता है, वो यहीं से आए हैं, इसी इसी फॉर्मूले से आए हैं। अब ध्यान से देखते रहो, जब हमने h टेंडिंग टू जीरो रखा, मतलब m स्लोप, और ये टेन थीटा बोल लो, पहले तो थीटा क्या, पहले तो थीटा बन रहा था, यहाँ पर देखो पहले तो एंगल थीटा बन रहा था, अब एंगल क्या बनेगा इसका, देखो ना, अब तो हमारी लाइन ये खींची है ना ए बी लाइन, तो ए बी लाइन या ए बी लाइन बोल लो, या फिर क्या बोलेंगे, ए पॉइंट पर ही जो कर्व पे टेंजेंट खींचा है वही तो ए बी लाइन आई है, ठीक है, ए पॉइंट पर जो कर्व पर टेंजेंट खींचा है वही ए बी लाइन है। तो अब देखो, अब थीटा बदलेगा नहीं बदलेगा, पहले तो थीटा तो यहीं पर था, ये वैल्यू क्या है थीटा, अब देखो अब थीटा बिल्कुल बदलेगा, पहले तो ऐसे था, अब ये कुछ ऐसे हो गया है, इधर ध्यान से देखो, पहले तो ये लाइन ऐसे थी जब बना रही है इससे एंगल थीटा, अब ये लाइन कुछ ए पर टेंजेंट हो गई है, ध्यान से देखते रहो, ए पर टेंजेंट हो गई है ना, ऐसे ए पर टेंजेंट हो गई है, तो ये अब एंगल क्या बनाएगी, कुछ हमने मान लिया कि थीटा वन बना लिया, क्लियर है ना, अब तो भाई लाइन ऐसी बन गई है ना, बी बिल्कुल इसके पास आ गया, इधर देख सकते हो बी बिल्कुल इसके पास आ गया, तो ए बी लाइन कैसी बनी है, ये बनी है, तो ये कितना एंगल बना रही होगी, थीटा वन। तो क्या करा, जब हमने एच टेंडिंग टू जीरो रखा तो थीटा क्या बन गया, थीटा वन बन गया। अच्छा, एच टेंडिंग टू जीरो रखने से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, एक तो बी चलता चलता ए पर आ गया, ठीक है, तो जो ए बी लाइन बनी है, ए बी लाइन बनी है वो कैसी दिख रही है हमें, जो ए बी लाइन अगर आप खींचोगे तो वो हमें ऐसी लगेगी कि ए इस कर्व पर, इस कर्व पर ए पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा वही ए बी लाइन है, क्लियर। तो ये टेंजेंट हमें दिखा कि ए पॉइंट पर जो कर्व पर टेंजेंट खिंच रहा है वो दिखा, और हमें क्या पता जब हमने एच टेंडिंग टू जीरो करा तो और हमें क्या मिला, और जो थीटा था वो कितना चेंज हो गया, थीटा वन बन गया, जो थीटा था ये वाला पहले ऐसा था, बी को इधर ले आए तो अब लाइन ऐसे बन गई, तो मतलब एंगल कितना बन गया, थीटा वन बन गया, तो जो थीटा चल रहा था टेन थीटा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू, ये स्लोप ही है भाई, इधर देखते रहो, जो एम चल रहा था टेन थीटा, थीटा क्या बन जाएगा, थीटा वन बन जाएगा,
क्लियर, क्योंकि थीटा भी चेंज हो गया, एच टेंडिंग टू जीरो करते ही थीटा क्या बन गया, थीटा वन बन गया। तो जो स्लोप है, स्लोप टेन थीटा का क्या हो गया, टेन थीटा वन हो गया। आप इसको एम वन डाल दो कि भाई स्लोप भी चेंज हो गया, एम इज इक्वल टू एम वन बन गया। क्लियर, ओके। तो ये जो पूरी चीज लिख रही है ये क्या होती है आपकी डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं हम डी वाई बाय डी एक्स, इसी को बोलते हैं डी वाई बाय डी एक्स, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो। भाई सिंपली अगर हम बात करें चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये तो सिंपली स्लोप होता है। बट अगर हम कंडीशन लगा दे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच की वैल्यू कितनी बढ़ानी है आपको, जीरो बढ़ानी है, तब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर बात, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब नीचे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। देखो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, जो भी नीचे आता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑल क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, आप कंसेप्ट से करते रहिए, बिल्कुल प्रोसेसर वाइज चलते रहिए। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज कंसल्ट विद मी, ओके। चीजें आसान होंगी तो होंगी, अगर आप करते रहोगे तो चीजें आसान होंगी, बिल्कुल होंगी, आप कंसंट्रेट से पढ़ते रहिए, ओके। तो यहां से देख लो, इसी को टेन थीटा वन, भाई टेन थीटा था वो भी चेंज हो गया जब एक्सटेंडिंग टू जीरो करा, तो वो एम वन बन गया, मतलब टेन थीटा वन बन गया। और डी वाई, भाई वाई हमारे पास क्या था, यहाँ से देख लो, वाई इज इक्वल टू कोई एफ एक्स ही तो था फंक्शन, तो वाई के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं, और टेन थीटा वन और एम वन, तो डी वाई के प्लेस पे क्या रख दिया, एफ एक्स अपॉन में एक्स। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का जिसका भी फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में भी, उसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे, अभी एग्जांपल लेके और समझाएंगे, ओके। तो यहां से ये चीज पढ़ो, व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो देन बी टेंडिंग टू ए, बी ए के पास आ गया, एंड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में लाइन ए बी, जो लाइन ए बी थी, वही बता रहा हूं मैं बार बार, जो लाइन ए बी है, ए और बी बिल्कुल पास पास आ गए, तो लाइन ए बी बिकम, लाइन ए बी क्या बन गई, एक टेंजेंट बन गई। देखो ना, ए बी लाइन एक टेंजेंट बन गई, किस पर, करो पर। क्लियर हुआ, अब टेंजेंट बन गई ए बी लाइन, ए बी लाइन ऐसे खींचेगी और ये हमें दिख रहा है कि एक टेंजेंट बन गई, टेंजेंट ऑफ एफ एक्स कर्व एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर बनी है, ए पॉइंट पर, क्योंकि बी को तो हम ए के पास ही ले आए ना बिल्कुल, तो हमें दिखा कि ए पॉइंट पर जो ए बी लाइन है वो टेंजेंट बन गई है कर्व पर, एट पॉइंट ए एक्स और कोमा एफ एक्स। अब डेफिनेशन पढ़ लो कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से ये आपको कंप्लीट अपने फेयर बुक पे करना है, आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता भाई इससे, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ और आप अपना क्वेश्चन करो, डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैंगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले ही लगाने हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 10 क्वेश्चन उस 5.2 में, बट इफ कंसेप्ट से चलोगे देन कभी मार नहीं खाओगे लाइफ में। देन डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बताया, तो ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप देता है, टेन थीटा क्या है, स्लोप ही तो है, तो डेरिवेटिव मीन्स कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, कैलकुलेशन ऑफ स्लो, मतलब dy/dx चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट है, इसी पूरे को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव मीन्स कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, स्लोप की कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन गिवन कर्व, ऑफ टेंजेंट, देखो ये कर्व था तो स्लोप देता है, किसका स्लोप देता है, डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, ये टेंजेंट है और ये मेरे पॉइंट कोई कर्व पर एक पॉइंट ए है, तो जो इस कर्व पर, इस कर्व पर जो पॉइंट ए है, जो ए से जो टेंजेंट खींचेगा, या फिर ये बोलो ए पॉइंट पर जो टेंजेंट बना है कर्व पर, ये कर्व हो गया, इस कर्व पर ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर जो टेंजेंट बना है उसका ही स्लोप, अगर इसका स्लोप कौन बताता है, डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और लगा सकते हो आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये सब कुछ चीज़ें आई है, ये सब कुछ चीज़ें तो यहाँ से हमने पता लग गई है, एच टेंडिंग टू जीरो, जब ही तो भाई टेंजेंट बना जब एच टेंडिंग टू जीरो करा। तो यहाँ से देखो, किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खिंचता है उसी का स्लोप कौन बताता है, डिफरेंशिएशन, उसी का स्लोप कौन बताता है, डिफरेंशिएशन, वही डिफरेंशिएशन होता है। तो बता पाओगे, दिस इज द डेफिनेशन, डेरिवेटिव मीन्स क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, किसका स्लोप, ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट बना है, ये टेंजेंट बना किस पर बना, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर बना है टेंजेंट, और ये पॉइंट कहाँ पर है, ऑन गिवन कर्व, कर्व पर है ये पॉइंट। क्लियर, तो सपोज यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बन रहा है तो इस
कर्व के इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट बनाए हैं इसका स्लोप कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। आई होप इट इज क्लियर। इस कंसेप्ट को क्लियर करो बिल्कुल। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है, इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y एक फंक्शन है, x का फंक्शन है भाई, x में चल रहा है सब कुछ। तो y एक फंक्शन है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब का कर्व ऐसा होता है, ये एक्स क्यूब का मैंने कर्व बताया, अब इससे बताएंगे तो क्या चीज़ें, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन इस कर्व का निकालना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इस कर्व पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप देता है, उसका स्लोप ही बताता है डिफरेंशिएशन। इस कर्व पर कोई किसी पॉइंट पर, अभी पॉइंट मैंने x इज इक्वल टू 2 मान लिया, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगा उसी का स्लोप क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। तो पहले तो dy by dx निकालो। y है आपके पास, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आपको देखना होता है कि y किसका फंक्शन है? x का। जिसका फंक्शन है, देखो ना y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है भाई। आप x की वैल्यू रखते जाओगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी, समझ रहे हो ना? x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो y टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है? इस x पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब ये लगा लो जिसका फंक्शन चल रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y किसका फंक्शन है? x का। तो dy y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y एक्सिस बोल सकते हो, चेंज इन x एक्सिस। अब देखो x क्यूब तो एक फॉर्मूला होता है dy dx, सारे फॉर्मूले लिखवाएंगे भी। x रेज टू द पावर अगर n है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n पावर पहले आगे आएगी मतलब एन एक्स, और ऊपर हो जाएगा एन माइनस वन। तो क्लियर। तो यहाँ से देखो 3 आगे आ गया भाई, n आगे आता, n यहाँ आ जाता, तो 3 आगे आ गया तो 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस वन। एन क्या चल रहा है आपकी? 3, तो 3 माइनस वन 2 यहाँ बच गया। ओके, और सारा होगा कोई डोंट वरी। तो 3x स्क्वायर, ये तो आ गया स्लोप, जनरल फॉर्म आ गई भाई x के टर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ वो स्लोप दे देगा, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो स्लोप बता देगा, ये dy by dx उसका स्लोप बता देगा। तो ये तो जनरल फॉर्म आ गई, इसका डिफरेंशिएशन निकल गया 3x स्क्वायर। अगर वो पूछता कि बताओ x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब dy by dx किस पर? एट x इज इक्वल टू 2 पर। ऐसे दिखाते हैं इनको, ऐसे करके x इज इक्वल टू 2 पर। मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे? अब कंसेप्ट को पूरा आप कंप्लीट कर लो। ये पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पर जो इस कर्व पर इस पॉइंट पर, टू पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पर तो टेंजेंट यही बना, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बना यही बनेगा, इस टेंजेंट का स्लोप मतलब dy by dx एट x इज इक्वल टू 2, इसी को बोलते हैं इस टेंजेंट का आप बोल सकते हो स्लोप। ठीक है, तो टू पॉइंट पर ये टेंजेंट बना, इसका स्लोप कितना होगा? तो वो स्लोप ये है। ये तो जनरल फॉर्म थी, आपने x इज इक्वल टू 2 रखा, मतलब 2 पॉइंट पर जो इस कर्व पर टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप को कौन बताता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है किसी भी टेंजेंट का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। तो यहां से x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू x के प्लेस पे क्या रख देंगे हम? 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 इंटू 12, मतलब जो ये टेंजेंट आया है इसका स्लोप कितना निकल कर आया? 12। तो स्लोप क्या बताया? डिफरेंशिएशन नहीं तो बताया, ये डिफरेंशिएशन नहीं तो बताया। क्लियर। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया है भैया? 12 स्लोप आया है। क्लियर। तो सिंपली डिफरेंशिएशन क्या बताता है? कर्व पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचता है उसके स्लोप को बताता है डिफरेंशिएशन। ओके, और देखो आप इसके स्लोप को और कैसे निकाल सकते हो? ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एंगल बना रहा है। सपोज ये कुछ भी बना रहा है, तो अगर आप निकालोगे टेन थीटा, जो भी एंगल बना रहा है वो 12 ही आएगा। थीटा जितना भी बन रहा होगा वो 100% 12 ही आएगा। ओके, जो कि डिफरेंशिएशन ने भी बता दिया। क्लियर। ओके, कुछ अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसमें क्या है, आपके 11th के सारे फॉर्मूले हैं भाई, 11th के जितने भी। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली चलेगा, डीपली चलेगा, एकदम बहुत जबरदस्त। ओके, तो वो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन अगर दो फंक्शन एक साथ सब्ट्रैक्शन एडिशन में आ जाएं तो हम उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस साइन लगाकर फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर। दोनों फंक्शन एक साथ आ गए, हो सकता है पहले दोनों फंक्शन प्लस में आ जाए, दोनों फंक्शन माइनस में आ जाए, तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले इसका, ये देखो डिफरेंशिएशन पहले एफ एक्स फंक्शन का, प्लस माइनस डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का। एग्जांपल ले लिया, वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, मतलब एक फंक्शन तो ये रहा x का, एक ये रहा, तो दो के आ गए प्लस के आ गए, तो हम dy by dx
वाई कितना चल रहा है भाई, हमें तो डी वाई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई किसका फंक्शन है, एक्स का ही फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई के प्लेस पर रख दिया 3x² प्लस का 5x dx। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अलजेब्रा है, क्या है, हम अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब पहले इसका प्लस साइन लगाकर फिर इसका, तो वही क्या है, पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस साइन लगाकर इसका डिफरेंशिएशन, हो सकता था माइनस आ जाता, दैट्स व्हाई आई पुट हियर माइनस। ओके, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लीकेशन मतलब दोनों फंक्शन किस में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए, क्लियर, दोनों फंक्शन किस में आ गए, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ओके, डिफरेंशिएशन अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, आप इन बहुत बहुत सी बुकों में यू और वी भी मान रखा है, इनको यू और वी फंक्शन भी माना हुआ है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज रख देंगे, प्लस का सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, आई होप इट इज क्लियर। आप इसको अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ें और मुझे बताएं कि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, देन प्लीज़ कॉल मी या फिर मैसेज मी। ओके, थैंक यू।